इस मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई। आज पंचायतों के चुनाव को लेके प्रेस वार्ता रखी गई। आज ये हमारी जिला टीम का ये फैसला है कि हम चुनाव बिना सिंबल के लड़ेंगे, जिला परिषद में अपने सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। कारण क्या है इसके पीछे? कारण उसके पीछे कारण है, मैं समझता हूँ कि जब हम वार्डों के सर्वे के अंदर गए और सारा कुछ गया तो हमने देखा कि एक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी हमारे लिए निर्णय करने की दिक्कत आ रही थी कि किस तरह से मतलब, और हमें लगा ही नहीं कोई विपक्ष नाम की कोई चीज़ बची है। सभी के सभी अगर तीन चार लोग भी एक वार्ड से चुनाव लड़ने के हैं, सबकी इच्छा थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो न्यूट्रल थे, चाहे समाज के प्रभावी लोग थे, या किसी समय किसी दूसरी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे, आज वो सिंबल भारतीय जनता पार्टी का चाहते थे। तो हमें लगा कि ये सब लोग अपने ही आपस में चुनाव लड़ना, तो आपस में चुनाव लड़ लेंगे, जो बढ़िया कार्यकर्ता उसको हम सपोर्ट भी करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही? नहीं, पूरी तरह से संभाल पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये चुनाव जो है लीडरशिप ग्रूम करने का है। मैं पार्षद बना था, कभी पार्षद बनने के बाद मैं चेयरमैन बना म्युनिसिपल काउंसिल का, मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैं समझता हूँ आज जो सरपंच बनेंगे या ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे या जिला परिषद के मेंबर बनेंगे, कभी ना कभी ये उनकी सीढ़ी होगी अगली राजनीति के लिए, ऊपर की राजनीति के लिए। तो हम किसी कार्यकर्ता को सप्रेस नहीं करना चाहते कि वो आगे ना बढ़े, अपने कैलिबर से अपने ताकत से वो चुनाव लड़ेगा, हमें भी लगेगा कि इसको सपोर्ट करनी है। किसी और कार्यकर्ता को कहना है कि आप इनके साथ लग के इनको बनवाइए, तो सारे चुनाव जो भी है वो बिना सिंबल के, बिना सिंबल के चुनाव करनाल जिले के अंदर लड़े जाएंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी, क्या आपकी भी ड्यूटी लगी? आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक पन्ने तक पहुँच चुका है, और हमारी सारी टोटल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे जेपी दलाल जी इंचार्ज हैं, हमारे कृष्ण पवार जी को इंचार्ज हैं, पॉलिटिकली संगठन की दृष्टि से भाई वेदपाल जी देख रहे हैं, ऐसे हमारी टीम प्रमुख लोगों की बन गई है। एक एक पल में एक एक कार्यकर्ता वहाँ ड्यूटियाँ लग रही हैं, सब लोग काम पे जा रहे हैं। क्या हिमाचल चुनाव में बिहार से आपकी ड्यूटी लगी है, क्या तैयारी वहाँ? हाँ जी, हरियाणा की वहाँ पर चार जिले उनको दिए गए हैं। हरियाणा की तरफ से हमारे जो पानीपत ग्रामीण के विधायक हैं भाई महिपाल ढांडा जी, वो वहाँ पर गए हैं। आगे चार जिलों को अलग अलग बांटा गया है, वहाँ पर जितनी भी सीट है, हरियाणा का कार्यकर्ता जहाँ भी जाता है मजबूती से चुनाव यहाँ हरियाणा में भी लड़ता है और बाहर जाकर भी लड़वाता है, और अच्छा चुनाव है। हिमाचल का रिजल्ट तो मैं समझता हूँ एडवांस में ही आ चुका है, हालांकि कांग्रेस वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और आप पार्टी ने भी जितना शोर शराबा किया था उनका भी पूरा का पूरा संगठन आप पार्टी को छोड़ कर ही, वो भी कुछ बीजेपी में आ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए। लेकिन हिमाचल का तो भाटिया जी ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद पार्टी बदल जाती है। इस बार इतिहास आप देखेंगे कि जो पहले इतिहास रहा है वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा ही सरकार बनाएगी हिमाचल के अंदर, मेरे को पूर्ण विश्वास है, और मैं हिमाचल में संगठन की बैठकें भी लेके आया हूँ बूथ सशक्तिकरण अभियान की। मैक्सिमम सभी जो जनप्रतिनिधि थे, सभी चाहे सांसद थे विधायक से, सबसे मेरी बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल बीजेपी रिपीट करने जा रही है, और अच्छे वोटों से। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल की झाड़ू चल जाए क्या वहाँ जैसे? नहीं, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की जो पोल है दिल्ली में होते हुए नहीं खुली थी, लेकिन जैसे वो पंजाब के अंदर आए उनकी पोल खुल गई। जिस तरह फ्री की चीज़ें बांटने का लालच देना, लोभ देना, वो उनका दिल्ली के अंदर चल गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर रिवेन्यू जनरेशन थी बहुत ज़्यादा, जितना भी एक्सपेंस वो कर लेते उनको, क्योंकि अधिकतर वहाँ लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, तो उन्होंने नॉन टैक्स पेयर के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया वो उनका बात चल गई। लेकिन पंजाब के हालात तो दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं, कहाँ हरियाणा से भी ऊपर पंजाब माना जाता था हर फील्ड में, नशे के कारण वैसे टूट गया, रिवेन्यू के कारण टूट गया, ये फ्री की चीज़ें बांटने के चक्कर में हरियाणा के मुकाबले पंजाब बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप पंजाब के अंदर उनकी पोल खुली है, और 6 महीने में जो बाई इलेक्शन हुआ, जो सीट खुद मुख्यमंत्री ने खाली करी लोकसभा की, वो आप देखिए कि सिमरनजीत सिंह मान जी के सामने वो उन्होंने वो सीट ही हारी। तो मुझे लगता है पंजाब के बाद आप पार्टी की पोल खुल गई है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, 377 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, मैं वेस्टर्न यूपी में था, मैंने पूरा समय वहाँ लगाया, एक भी सीट पर उनकी जमानत नहीं बची। इस तरह यही हालात उनके हिमाचल और गुजरात के अंदर भी होने जा रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता इस बात की है कि कांग्रेस बुरी तरह फ्लॉप होती जा रही है, कांग्रेस के अंदर एंटी बीजेपी वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट
आपकी ओर ट्रांसफर होता है तो आपको लगता है कि हमारा जन आधार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है सर। हरियाणा हरियाणा नंबर वन की पहले हम मेरे कान पक गए थे 2014 से पहले, हर एडवर्टाइजमेंट करोड़ों अरबों रुपए हरियाणा नंबर वन, हरियाणा नंबर वन का ये जब हुड्डा साहब की सरकार थी टीवी के ऊपर बोला करते थे, लेकिन जब आंकड़े आते थे तो हरियाणा सबसे आखिरी स्टेट्स के अंदर होता था। मैं तो कहूँगा कि हुड्डा साहब का जो सपना रहा होगा या नहीं रहा होगा या खाली उनका नारा था, उस नारे को अगर पूरा करने का काम किया तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, जिसने वाकई में ऑन रिकॉर्ड, और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी खुद अनेक बार हरियाणा की योजनाओं का, चाहे परिवार पहचान पत्र का हो, चाहे लाल डोरे के अंदर मालिकाना हक देने का हो, ऐसी अनेक योजनाओं का, जितना डिजिटलाइजेशन कर दिया, लगभग 500-600 योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया, मैन हैंड इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम से कम कर दिया, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मामले में हो, चाहे लाइसेंस सिस्टम के अंदर हो। मैं समझता हूँ हरियाणा को नंबर वन लाने में मनोहर लाल जी और हरियाणा के लोगों ने जितनी मेहनत की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। करनाल में दूसरे चरण में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने आज प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जो सरपंच के चुनाव हैं वो सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे, ब्लॉक समिति के चुनाव भी सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे और साथ ही साथ जिला परिषद के चुनाव भी करनाल जिले के अंदर सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। उन्होंने कारण ये बताया कि हम जहां पर भी अलग अलग जगहों पर गए तो वहां पर हमने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एक से ज़्यादा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इसलिए वहां पर दो जनों को सिंबल नहीं दिया जा सकता। इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि जो उत्सुकता है कार्यकर्ताओं में उसको देखते हुए पार्टी के सिंबल पर चुनाव ना लड़ा जाए। वहीं आदमपुर में उपचुनाव है, वहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी लगातार जोर आजमाइश कर रही है और जीत जो है वो बीजेपी पार्टी की ही होगी, क्योंकि जेपी दलाल को वहां पर इंचार्ज बनाया गया है, साथ ही साथ कृष्ण पवार को भी जिम्मेदारी दी गई है जो राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा आने वाले समय में हिमाचल में चुनाव हैं, विधानसभा के तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई मीटिंग भी संजय भाटिया जी ने वहां पर जाकर ली हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और जो जीत होगी वो बीजेपी पार्टी की होगी, यानी कि बीजेपी पार्टी एक बार फिर से हिमाचल में जीत हासिल करके सरकार बना रही है। लेकिन देखना ये होगा जब नतीजे आएंगे कि कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता है और कौन सी पार्टी हिमाचल में अपनी सरकार बनाती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु।